तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर यूनिट कन्वर्जन। और ये जो वीडियो होने वाला है किसी भी इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे आपका रिफाइनरी प्लांट हो या कोई पावर प्लांट हो या कोई डीएम प्लांट हो, आप किसी भी प्लांट में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं प्रेशर गेज देखने को मिल ही सकता है। और उस प्रेशर गेज में आप कहीं देखे होंगे कि हमारा यूनिट जो है वो बार में है, कहीं पीएसआई में है, कहीं हमारा एमएमडब्ल्यूसी में होता है, या कहीं हमारा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसका जो यूनिट है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको वार में कन्वर्ट करना है या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको पीएसआई में कन्वर्ट करना है, तो यह कैसे किया जाता है और इसका जो कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो वैल्यू होता है वो कहां से आया, उसका प्रूफ कैसे है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 14.2 पीएसआई होता है, तो ये हमारा वैल्यू कहां से आया है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेशर का जो यूनिट है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रेशर के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पी इक्वल टू क्या होगा हमारा कि फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए यहां पे फोर्स का जो हमारा यूनिट है वो क्या होता है, तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में लेते थे कि कितना न्यूटन का हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में, यानी कि पर मीटर स्क्वायर में हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका खोज किसने किया था, तो पास्कल द्वारा किया गया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहां तक प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे। तो चलिए यहां पे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ कि कैसे ये हमारा फैक्टर आता है। जैसा कि हमारा 1 पास्कल इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, वैसे ही हमारा 1 किलो पास्कल इक्वल टू क्या होता है, किलो है, यानी कि 10^3 हो जाएगा, यानी 10^3 पास्कल होता है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा वातावरण का प्रेशर है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो सी लेवल पर कितना होता है, तो 10^5 पास्कल होता है, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, सी लेवल पर 10^5 पास्कल होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि 1 bar इक्वल टू 10^5 पास्कल होता है, ठीक है। और 1 bar इक्वल टू आप इसको कितना किलो पास्कल लिख देंगे, तो 10^2, यानी कि 10^2 का मतलब कि 100 किलो पास्कल आप लिख सकते हैं इसको, यानी कि 1 bar इक्वल टू 10^5 पास्कल या 100 किलो पास्कल आप लिख सकते हैं। और 1 bar इक्वल टू कितना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 1 bar इक्वल टू होता है 1.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 bar इक्वल टू कितना पीएसआई होता है, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच कितना होता है, तो 14.5 पीएसआई होता है। 1 bar इक्वल टू 14.5, बट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना पीएसआई होगा, तो 14.23 PSI होता है। तो ये कैसे आता है, इसका प्रूफ हम लोग इस वीडियो में अभी देखेंगे। पहले मैं कुछ कन्वर्जन फैक्टर लिख देता हूं। और देखिए, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो 10^4 mmWc, यानी कि मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, यानी कि क्या हो गया कि 10,000 mmWc होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 10,000 mmWc हो गया। तो इस तरह से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बार को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 bar इक्वल टू क्या होता है, 1.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू हमारा कहां से आया, यानी कि ये हमारा फैक्टर कहां से आया, इसको पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग को कन्वर्ट क्या करना है, तो बार को केजी
पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहां पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 bar इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए 1 bar इक्वल टू 10^5 पास्कल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 10^5। 1 pascal इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यानी कि अब हमें कन्वर्ट किसको करना है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि 1 newton, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू क्या होता है, तो 9.81 newton होता है। और ये वैल्यू हमारा कहां से आया, तो ये वैल्यू हमारा होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और हमारा मास अज्यूम कर लेते हैं 1 kg, और हम लोग का जो एक्सीलरेशन होता है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो 9.81 meter per second square। तो यहां पे 9.81 इंटू 1 करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 9.81 हो जाएगा। और हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो इस तरह से 1 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.81 newton हो जाएगा। तो ये हमारा एक फैक्टर होता है, ये हमारा एक वैल्यू स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और कहां से आया, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो 1 kg इक्वल टू 9.81 क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 1 newton इक्वल टू कितना केजी हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट है नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/9.81 क्या हो जाएगा, केजी। यानी कि न्यूटन के जगह पे, 1 newton के जगह पे हम लोग ये वाला पार्ट रख देंगे, तो हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का न्यूटन कितना है, ऊपर 10^5 है, ठीक है। तो हमारा 10^5 न्यूटन इक्वल टू कितना केजी हो जाएगा, तो 10^5 और डिवाइड कर देंगे 9.81, तो ये इतना हमारा केजी हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर दिए। अब हमको क्या कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 meter इक्वल टू क्या होता है, 100 centimeter होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, तो यहां पे अगर हमारा ये स्क्वायर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा वैल्यू आया है, यानी कि 10^5 न्यूटन का जो हमारा ये वैल्यू आया है, उसको यहां पे टॉप में रख देंगे, और हमारा 1 meter स्क्वायर का जो वैल्यू आया है, उसको हम लोग बॉटम साइड में रख देंगे। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं कि 1 bar इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 10^5 n के जगह पे हमारा कितना आया है, तो 10^5 upon 9.81, ठीक है। और हमारा यहां पे मीटर स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके डिवाइड में 1 कर लीजिए। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो पहली गुने चौथी, यानी कि इसका हमारा वैल्यू हो सकता है 10^5 into 1, और डिवाइड क्या हो जाएगा, 9.81 इंटू ये वाला 100 into 100, यानी 10^4 हो जाएगा। तो ये 4 कट जाएगा, तो ऊपर 10 upon 9.81 है, तो 10 divide 9.81 करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1.02। तो ये किस में हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग बार से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो हमारा फैक्टर आया है, ये कैसे आया है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 1 bar इक्वल टू 14.5 psi जो हम लोग फैक्टर लिखते हैं, वो कहां से आता है। तो चलिए इसको हम लोग अभी समझते हैं, यानी कि बार को psi में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हम लोग अब देखेंगे बार से किसमें, तो psi, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच देखेंगे। यानी कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो देखिए 1 bar इक्वल टू क्या होता है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी अब हम लोग को क्या करना है, जो न्यूटन है ना, उसको पाउंड में कन्वर्ट करना है, और जो हमारा मीटर स्क्वायर है, जो हमारा मीटर स्क्वायर है, इसको इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यही करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूटन को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। और यहां पे हम लोग जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 9.81 न्यूटन होता है, और 1 kg इक्वल टू कितना पाउंड होता है, तो 1 kg इक्वल टू होता है 2.204 पाउंड होता है,
ठीक है। और यहां पे हम लोग देखे थे कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 5 अपॉन 9.81 केजी होता है, और इस 1 केजी इक्वल टू कितना होता है 2.204 पाउंड होता है। तो इसमें आप सिंपली क्या कर देंगे, 2.204 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या कर लिए, 10 टू द पावर 5 न्यूटन इक्वल टू इतना पाउंड होता है, आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इस मीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इंच की अगर बात करें तो 1 मीटर इक्वल टू कितना इंच होता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 0.0254 ये क्या होता है, इंच होता है, इतना इंच होता है 1 मीटर इक्वल टू। तो अगर मीटर स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो बार है ना वो बहुत आसानी से पीएसआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहां से क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के जगह पे इसको रख देंगे, यानी कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन के जगह पे, यानी कि हमारा इसके जगह पे ऊपर वाले के जगह पे हम लोग ये रखेंगे, यानी कि 10 टू द पावर 5 अपॉन 9.81 और इनटू क्या है 2.204 है, ठीक है। और इसके डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर के जगह पे इंच स्क्वायर, यानी कि ये वाला, और डिवाइड किससे कर देना है, तो 0.0254 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो 14.5 पीएसआई। तो इस तरह से हमारा जो बार है वो पीएसआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14.5 पीएसआई, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 14.23 पीएसआई कैसे होता है। तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कि ये मैं इसको यहां से इरेज कर दिया हूं ताकि हम लोग इसको फ्रेश वे से समझे। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पीएसआई यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारा जो केजी है इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो पाउंड में कन्वर्ट करना है, और जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू 2.204 पाउंड होता है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1 अपॉन 2.54 इंच होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइड 2.54 सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 25 इंच हो जाएगा, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग पीएसआई में, यानी केजी को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 केजी इक्वल टू इतना पाउंड होता है, तो केजी की जगह पे आप लिख देंगे सिंपली 2.204 पाउंड, ठीक है, और डिवाइड कर देना है सेंटीमीटर के स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे आपको क्या करना है, इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू क्या होता है, 1 अपॉन 2.54 इंच होता है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिवाइड इतना करेंगे, तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, 0.393 ये क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। यानी कि आप 1 सेंटीमीटर के जगह पे इसको रख देंगे, तो 1 सेंटीमीटर के जगह पे कितना रखेंगे, तो 0.393, और यहां पे स्क्वायर है तो आप इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है, तो 14.22, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो पीएसआई यानी कि पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पीएसआई में कन्वर्ट कर लिए। उम्मीद करता हूं ये आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर यूनिट कन्वर्जन। आप इससे किसी भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका जो प्रेशर गेज जो है वो मान लीजिए पीएसआई में है, कितना भी पीएसआई दिखा रहा है, मान लीजिए 500 पीएसआई दिखा रहा है, इसको अगर आपको बार में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि 14.5 PSI इक्वल टू 1 बार होता है, तो इतना PSI इक्वल टू कितना बार हो जाएगा,
तो सिंपली इसको क्या कर देंगे 14.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पीएसआई में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही आपका अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, मान लीजिए 500 केजी मतलब 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसको अगर आपको पीएसआई में कन्वर्ट करना है तो 50 into 14.23 कर देंगे तो आपका पीएसआई में कन्वर्ट हो जाएगा, या पीएसआई को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वैसे भी हो जाएगा। देखिए यहां पे हमारा अगर एमएमडब्ल्यूसी को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये फैक्टर है। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।